अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आप सबको ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम दोबारा उसी अम्मा जी के घर मौजूद हैं। एक अम्मा जी की हम वीडियो बना के गए थे जो बुढ़ापे की हालत में अपने बेटे जिसकी चोट लग गई थी उसका काम खुद कर रही थी। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से मदद आई है और दोबारा अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी है कि दोबारा हम उनके घर आए हैं और उनसे थोड़ी बात करते हैं और आपको हालात दिखाते हैं और देखें एक दफ़ा फिर कि जो अम्मा जी हैं वो किस हाल में ज़िंदगी गुजार रही हैं और वो कैसे अपने घर का काम भी खुद कर रही हैं और अपने घर को संभाल रही हैं। तो चलें आए देखते हैं पहले अम्मा जी को। अस्सलामुअलैकुम अम्मा जी। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। ठीक हो? ठीक हो। ए की कर रहे पे हो? आटा गूंद रहे पे। तुसी खुद ही आटा गूंददे आ? हां। रोटी भी खुद बनांदे आ? रोटी आप पकाऊं, सालानी आप पकाऊं। तो क्या करिए हम? ठीक है। बट बेटा किथे तोड़ा? बेटा छोटे काम ते के कि नहीं बाहर निकल गए कोई घा पट्ठा कर रहा। नहीं तो तुसी कन से चोट आई हुई आ? हां। चल जांदा हो। आहो अच्छे चोट लगी कल नू। ठीक है। करसू इथे लगी आ सिर दे विच। आई ना गई। देखिए अम्मा जी क्या करिए हम पीछे। अम्मा जी बेचारी ने बताया था कि इनका बेटा जो है उसे चोट आई हुई है एक्सीडेंट की वजह से। उसके मतलब एक होता है हल्की फुल्की चोट आ जाना, एक उसकी मतलब टूट गई है हाथ की उंगलियां और उसकी उंगलियां वैसे टूट गई थी। लेकिन गुर्बत की इंतहा इस कदर है कि इसके बावजूद भी अम्मा जी को जो है ना उन्होंने वो बेचारा गया है काम की तलाश में। जाहिर है ये देखें बुढ़ापे की ये इनकी हालत आप देखें कि ये इनकी उम्र ये है कि ये बैठें और इनको 3 टाइम का खाना मुहैया हो, लेकिन ये बेचारी खुद अपना काम कर रही हैं और ख़ुद ये बेचारी ना अपने बेटे को भी पका के देती हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो इनकी बहू है वो गुर्बत की वजह से इनको छोड़ के चली गई है। गुर्बत की इंतहा इस कदर है, हर मतलब पूरे घर से गुर्बत जैसे कहते हैं टपक रही है। तो घर भी देखे और अम्मा जी बेचारी रोटी बनाने लगे हैं, खुद ही सारा काम करती हैं और ख़ुद अपने बेटे को भी खिला रही हैं और अपनी सेहत का देखे। कपड़े भी इस कदर गंदे हैं, जाहिर है अम्मा जी जो है ना, अम्मा जी मक्खियाँ बह रही हैं ऊपर इस कदर जो है, कपड़े भी इस कदर अम्मा जी के गंदे हैं। जाहिर है ये तो खाना जो एक बुनियादी ज़रूरत है, खाना तो खाना ही होता है हर एक ने, वो उसके बाद तो कोई जिंदा नहीं रह सकता। खाना तो ये खा रही है, उसके बावजूद ये है कि ये कपड़े वगैरह तो नहीं धो सकती, इस तरह काम नहीं कर सकती। लेकिन इनका ना कोई सहारा है और ना ही इनके पास इतने वसाइल हैं कि ये मतलब ये हो कि इनको खुद हर चीज़ मुहैया हो जाए, हर चीज़ इनको मिल जाए, इनको ये ना हो। अम्मा जी थोड़े बेटे की दिहाड़ी लग जाती है रोज़? नहीं बात है कि कहीं लगती कहीं नहीं लगती। अच्छा जो दिहाड़ी नहीं लगती फिर तुम की करते हो? बस कोई आज थका होया चलो सही काट गिने। अच्छा सारी जिंदगी दे खपा रहे खपते नहीं वजन सही है, सारी जिंदगी इतनी गुजर गई। हाँ वही बीमार। हाँ अल्लाह में थोड़े हालात रहम करे, अल्लाह करे थोड़े हालात मजीद बेहतर हो जाए। हाँ कमरा दे अम्मा जी का कमरा देखें। हाँ, कमरा नहीं ऐसे है कमरा जैसे अभी गिर जाएगा। कहीं निकाला को जी बंदा तड़प के बैठा ही है, क्या करिए फुर्सत हो गए था नमा बनाइए देखा कोई हाल नहीं हो गया। अम्मा जी के कमरे को देख के ये नहीं लगता कि यहाँ कोई इंसान रह सकता है। अस्तगफिरुल्लाह, नाउज़ुबिल्लाह, मुझे एक वहशत सी हो रही है कि मतलब इधर कोई इंसान ज़िंदगी गुजार सकता है इस तरह के कमरे में। ज़रा गौर करके तो देखें। और ये देखें, वो बिल्कुल टूटा हुआ है, छत पता नहीं आई और नीचे आई। मुझे लगता है कैसे ये पता नहीं किसके सहारे, क्योंकि अम्मा जी की वो इतनी उनके अंदर इतना जान नहीं है कि ये सामान उठा सकें या इधर से सफाई कुछ कर सकें। जो चीज़ आती है बस ऐसी पड़ी होती है। अल्लाह अकबर। अम्मा जी के लिए कुछ ज़रूरत का सामान लेकर आए हैं, क्योंकि इनकी हालत हमने पहले भी देखी थी, अब भी दोबारा दिखा रहे हैं, जिसमें ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे घी है, आटा है, और ये उनके लिए रस वगैरह खाने के लिए। और इस पैक में पूरे महीने का राशन है, और जो चीज़ें हम खुद घर में इस्तेमाल करते हैं वो सारी चीज़ें हैं, इसमें हर चीज़ है। लेकिन जैसे कि आप देख रहे हैं, ना ही घर की हालत इस तरह की है, ना ही चारपाई इस तरह की हम खाने वाली चीज़ें ऊपर रखें। तो ये लेकिन देखने में आपको नज़र आ रहा होगा कि पूरे महीने का राशन, ज़रूरत की हर चीज़ इसमें मौजूद है। जो अम्मा के तो महीने से भी ज़्यादा ऊपर गुजर सकता है, 2 महीने गुजर सकते हैं, क्योंकि इनका बेटा और ये लोग, ये 2 हैं, क्यों ज़्यादा अफराद नहीं है, इसलिए इनका 2 महीने आराम से गुजर जाएंगे इस राशन से। और पैसे भी अम्मा जी को देते हैं कुछ। और बाकी जो है, अगर आप लोग मज़ीद कोई खुदा तस्त ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ अम्मा जी के ये ना बिल्कुल कमरा गिरने के करीब है, उधर से दीवार बिल्कुल इधर उल्ट गई है। ये देखें बिल्कुल, ये छत तो ये जिसमें रोटी बना रही है ये तो ना होने के बराबर है ना, ऊपर से लकड़ियाँ रखी हैं, और ये कमरा भी बिल्कुल गिरने के करीब है। अगर कोई थोड़ा सा इनको कमरा बनवा दे या इनकी मज़ीद हेल्प कर दे तो उनकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। बाकी जो है, ज़ाहिर है अम्मा की हालत देखकर मेरा नहीं ख्याल कि हमें कुछ कहने की ज़रूरत है। इनके घर की और इनके हालात देखकर हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। सारा राशन है पूरे महीने का। अम्मा जी तो 2 महीने आराम ना गुजर जाएंगे राशन दे। तो अलावा 15,000 रुपया वास्ते, 15,000 रुपया अम्मा जी को 15,000 दे रहे हैं, जिसमें से 6,600 रुपया जो है वो हमारी सिस्टर हमीदा खातून है उसने भेजा है, और बाकी 8,500 है, जो 8,500 है वो भेजा है मारूफ एंड तबरेज़ वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से है, और राशन वगैरह भी जो है मारूफ एंड तबरेज़ वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से है। अम्मा जी तुम जिन्होंने तेरे वास्ते राशन भेजे पैसे भेजे उन्होंने वास्ते दुआ करो। अल्लाह सही उन्होंने को बहुत दे वाले उन्होंने परसावे असा भी कोई दुख पाप दे रहे हो। अल्लाह ताला माफी देवे उनको, अल्लाह तंदुरुस्ती देवे, अल्लाह मियाँ उन्होंने जिंदगी रखे। शुक्र है उन्होंने वाले उन्होंने बच्चों की, अल्लाह जिंदगी रखे उनको, अल्लाह ताला तंदुरुस्ती रखे, भलाई निगरानी करेंगे बेटे। शुक्र है लाख एहसान मेरे अल्लाह दे। असाडे जेरे हालात हैं, असलू बुरन तले हैं, असा उबर उते काम करें तो थींदा नहीं, क्या करें पिछाड़ी दे साने थींदे नहीं। उठ दूँ तो भला बेहोश थी तो ढह पवंदो। असाडे हालात खराब है। अम्मा जी कह रही है कि हमारे हालात जो हैं बहुत ज़्यादा ख़राब है, मतलब हमारी गुर्बत की इंतहा इस कदर है कि हम खड़े होते हैं तो गिर जाते हैं, मतलब हमसे हमारी हिम्मत नहीं है इतनी। ये देखें उम्र किस कदर इनकी उम्र जो है पूरी ज़ईफ़ है, और ये क्या काम कर रही है। अल्लाह ताला इनके ऊपर रहम करे, और जो लोग इनकी खिदमत कर रहे हैं अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, जो उनके अल्लाह ताला उनकी मुश्किल आसान फरमाए, जो जिस मकसद के लिए वो मदद करें अल्लाह ताला उनके मकसद पूरा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला सबकी परेशानियाँ दूर फरमाए। प्लीज़ हमारी वीडियो को शेयर कर दिया करें, आपका कोई इस पर खर्चा नहीं आएगा, आप शेयर किया करें, आगे से आगे भेजा करें, ताकि ऐसे लोगों की जो है ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो सके। आज के लिए इतना ही, दोबारा नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।